हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि इस तरह का अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, देख सकते हैं आप, ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने अपना नाम लिखा, तो यहाँ पर अगर नाम लिखने के दौरान कुछ गलती हो गई तो यहाँ पर अब हम रीसेट का बटन हमने बना रखा है, तो यहाँ पर रीसेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ रेडियो बटन आपको दिख रहे होंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रेडियो बटन से। यहाँ पर लैंग्वेज यू नो, तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे चेकबॉक्स भी बना रखा है। और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने जो भी कंट्री आपकी है, यहाँ से ये भी हमने कर रखा है, ऑप्शन बटन बना रखा है, ठीक है, इंडिया कर सकते हैं या जो भी आपकी कंट्री हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम कैसे होगा इसके बारे में बात करेंगे, दोबारा से कोडिंग करके ये दिखाऊंगा। सबसे पहले HTML, देन हेड, देन टाइटल, और टाइटल में मैं दे देता हूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, और यहां पर हम ले लेंगे बॉडी, ठीक है। यहां पे बीजी कलर लगाएंगे, यानी बैकग्राउंड कलर, जो भी हम कलर लगाना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे व्हीट लगा देता हूं, व्हीट गेहूं के कलर का, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है वो समझना होगा। यहां पर हम फॉर्म टैग ले लेंगे, एफ ओ आर एम, सबसे पहले हम क्या लेंगे, फॉर्म टैग लेंगे, ठीक है। तो फॉर्म टैग हमने ले लिया है, नीचे आएंगे, यहां पर हमें कौन सा टैग लेना है, फॉर्म टैग के बाद यहां पर हम लेंगे टेबल टैग, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, दैट्स व्हाई हम टेबल टैग लेंगे, और बॉर्डर इज इक्वल टू 10 करेंगे, ठीक है। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 10 कर दिया हमने, यानी सेल दो सेल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 15 कर देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा साइज बड़ा रखते हैं स्पेस। और सेल पैडिंग, ठीक है, तो सेल पैडिंग हम कितना रखेंगे इसका, 10 कर दिया हमने, और इसको अलाइन कर देंगे हम सेंटर में, यानी कि ये जो फॉर्म बने बन करके आएगा तो ये सेंटर में अलाइन होगा, ठीक है। तो यहां मैं लिखता हूं सेंटर, ओके, तो ये हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे टी आर टैग लेना है, यानी टेबल रो, और यहाँ पे मैं ले लूंगा टी एच टैग, ठीक है। टी एच टैग यानी कि हेडिंग का टैग होता है, टेबल हेडिंग का टैग होता है। इसको मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दूंगा मैं, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक टैग लगा लेता हूं जिसका नाम है एच वन, ठीक है। ये एच वन टैग क्या करेगा, ये H1 टैग टेबल हेडिंग से ज्यादा पावरफुल है, और ये क्या करेगा, मोटे अक्षरों में हेडिंग को दे देगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा द शाइन इन, मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख रहा हूं, द शाइन इन कंप्यूटर सेंटर देवरिया, ठीक है, ये देवरिया कर दिया हमने। और यहां पर इसको करेंगे, तो देखिए H1 टैग पहले आया है तो यही सबसे पहले क्लोज भी होगा, तो यहाँ पे H1 टैग को क्लोज करूंगा मैं, और फिर देन TH टैग को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्लोज कर दिया हमने, और अब यहां पर हमें क्लोज करना है TR टैग को। अब फिर हमें TR टैग को ले लेना होगा, तो यहाँ पे ले लिया हमने, लेने के बाद यहां पर ये क्लोज है, ओपन टैग हमें लेना है, ठीक है। लेने के बाद यहाँ पे TD टैग लगाएंगे, तो TD हम चाहते हैं कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आए, तो यहां पे लिख देंगे सिर्फ हम फर्स्ट नेम, एफ आई आर एस टी फर्स्ट नेम, तो यहां लिख दिया हमने फर्स्ट नेम। अब यहां पे क्लोज करेंगे फर्स्ट नेम को, तो ये टीडी है, तो यहां से टीडी को क्लोज किया हमने। नीचे आएंगे टीडी, और यहां पे लगाएंगे इनपुट टाइप टैग, ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ठीक है, चूंकि हम टेक्स्ट लिखेंगे दैट्स व्हाई यहां पे टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर इसको क्लोज कर देंगे टीडी को, ओके, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पर टीडी को क्लोज करेंगे, टीडी क्लोज हो चुका है, टीआर को क्लोज करेंगे, ठीक है, तो ये टीआर को भी हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह से हमें ये बनाना है, तो हम इसी को कॉपी करते हैं, फर्स्ट नेम के जगह लास्ट नेम कर देंगे, ठीक है, कंट्रोल भी एक बार कॉपी किया हमने, और यहां लास्ट नेम कर देंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कर देते हैं, मिडिल नेम, मिडिल टाइप इज इक्वल टू, हम इसे नंबर कर देंगे, मोबाइल नंबर देना है तो यहाँ पे हम नंबर कर देंगे बस, ठीक है, नंबर कर दिया हमने, और इसको बना देंगे मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल
नंबर, ठीक है। यहां पे हम कर देंगे जेंडर, ठीक है। तो यहां जेंडर करते हैं हम, रेडियो बटन बना करके देखेंगे, ठीक है। एंकर टैग का यूज बाद में समझेंगे हम, अभी जिसके कारण ये वीडियो मैंने बनाया उस चीज को समझना जरूरी। तो यहां पे अब हमने जेंडर कर दिया है और यहां पर अब हम जेंडर देंगे, ठीक है। तो जेंडर में क्या देंगे हम, बटन यहां पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो होगा और बटन रेडियो चूंकि हम बना रहे हैं इस वजह से इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो और नेम इज इक्वल टू जेंडर कर देंगे, नेम इज इक्वल टू जेंडर। तो ये स्मॉल में लिखता हूं मैं जेंडर, ओके। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप को क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहां पे मेल दे देंगे यहां पे, ठीक है, एम ए एल ई। तो यहां मेल कर दिया हमने और अब यहां पर क्या करेंगे, ये मेल हो गया तो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम फीमेल का। तो यहां पे लिख देंगे फीमेल, बस इतना ही करना है हमें और इसी चीज को हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो सॉरी, यहां पे इसको पेस्ट करना है, ये ओके। और यहां पे फीमेल लिख देता हूं मैं, फीमेल, कंट्रोल वी करेंगे तो ये चीज आ जाएगी यहां पे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लगभग तैयार हो चुका है और यहां से इसको टीडी करके क्लोज कर देंगे, देन टीआर करके क्लोज करेंगे, तो ये हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, नीचे आकर के अब हमें चेकबॉक्स बनाना है। तो चेकबॉक्स बनाने के लिए फिर यहां पर हम टीआर ले लेते हैं, नेक्स्ट हमें हेडिंग लिखनी है लैंग्वेज यू नो, लैंग्वेज यू नो, ठीक है। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं ये यहां पे आएगा। तो अभी यहां पर टीडी हमने लिया नहीं है, टीआर लिया हुआ है, तो यहां पर टीडी भी लगा लेते हैं, टीडी, ओके। तो लैंग्वेज यू नो कर दिया हमने और यहां पर अब इनपुट टाइप लेंगे फिर से हम, तो इधर आकर के और इसको क्लोज करेंगे और अब इसमें इनपुट टाइप लेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इनपुट टाइप लेते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहां पर क्या करना है, चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। और चेक बॉक्स देने के बाद गैप देंगे, नेम इज इक्वल टू लैंग, चूंकि लैंग्वेज हमें चूज करना है, नेम इज इक्वल टू लैंग कर दिया हमने, ठीक है। और अब कौन कौन सी लैंग्वेज आती होगी वो यहां पे, जैसे सपोज कीजिए इंग्लिश लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर अगर और कोई भी लैंग्वेज आती हो तो और कोई लैंग्वेज को भी हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इनपुट टाइप तो और भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पर हमने इनपुट टाइप यहाँ पे बॉक्स तो दिया है लेकिन यहाँ पे टीडी लिया नहीं है, तो यहाँ पे एक बार टीडी ले भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ टीडी ले लिया हमने और यहां पर इसको क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। हम दो ही लैंग्वेज को यूज करेंगे, यहां दो लैंग्वेज हमने ले लिए हैं, ठीक है। और यहां नीचे टीआर को भी क्लोज कर दिया है। हम एक रेडियो बटन भी बना चुके हैं, रेडियो बटन बनाने के बाद अब हम यहां पे ऑप्शन बटन बनाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बटन बनाने के लिए यहां टीआर लिया हमने, फिर टीडी लिया, ठीक है। और यहां पर हमें क्या करना है, सेलेक्ट टैग का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे चूज योर सिटी मैं करता हूं, चूज योर सिटी, ठीक है। चूज योर सिटी देने के बाद यहां पर हमें सेलेक्ट टैग लगाना है, ठीक है। ये सेलेक्ट टैग लगा लिया, पहले यहां पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और फिर यहां पे टीडी लेते हैं, देन यहां सेलेक्ट टैग लगा लिया हमने, सेलेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ऑप्शन में क्या देंगे हम, ऑप्शन में देंगे इंडिया, ऑप्शन को क्लोज करेंगे, ओके।
यहां ऑप्शन की स्पेलिंग सही करनी होगी, ओके इसी को कॉपी कर लेते हैं और नाम सिर्फ हमें कंट्रीज का चेंज करना होगा। ये कंट्री का नाम है तो यहां पे सिटी का नाम हमें देना है, ठीक है। मैं करता हूं देवरिया, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं, कंट्रोल वी इंटर, कंट्रोल वी इंटर, कंट्रोल वी इंटर, कंट्रोल वी, और इसी को हम पेस्ट करते जाएंगे। अब यहां पे देवरिया है, यहां पे मैं करता हूं लखनऊ, क्लोज किया हमने, और अब टीडी को क्लोज करेंगे तो ये टीडी भी हो जाएगी क्लोज, और देन टीआर भी क्लोज कर देंगे, और टीआर को क्लोज करने के बाद अब बारी बारी सबको क्लोज करना है। तो सबसे पहले क्या आया हुआ है देख लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो फॉर्म टेबल आया हुआ है, तो टेबल को क्लोज करेंगे फिर फॉर्म को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल को क्लोज करते हैं, यहां पर देख सकते हैं हमने रीसेट का बटन अभी बनाया नहीं है, ठीक है, तो रीसेट का भी बटन हमें बनाना है। तो यहां पर हम एक और नाकाम हो जाएगा इससे, तो ये हमने कर दिया, और यहां से टीडी को करेंगे क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया रीसेट, तो रीसेट वाला हमारा बटन यहां से क्रिएट होगा। अब नीचे आकर के यहां पर टीडी को जो है ओपन करेंगे, यहां पर हमें रीसेट का बटन बनाना है। तो फॉर्म हमने ले लिया हुआ है फॉर्म टैग, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, बटन इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट का बटन हमने क्रिएट करा लिया, ठीक है। इतना करने के बाद हमें टीडी को क्लोज करना है, टीआर को क्लोज करना है, ठीक है, यहां से टीआर को भी क्लोज करेंगे। अब नीचे देखते हैं, हमने टेबल क्लोज कर लिया है, हमें फॉर्म क्लोज करना है, तो फॉर्म को भी क्लोज किया, फॉर्म के पहले बॉडी तो नहीं क्लोज करनी है, देख लेते हैं एक बार, फॉर्म के बाद अब बॉडी क्लोज करनी है, तो यहां से अब बॉडी भी क्लोज करेंगे हम BODY, और अब एट लास्ट HTML को क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा फॉर्म उम्मीद है कि बन करके तैयार हो जाएगा, इसको सेव करता हूं, रजिस्ट नाम से ये फॉर्म है, तो आइए चलते हैं देखते हैं यहाँ पे ये फॉर्म बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म बन करके तैयार है, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं कि ये फॉर्म हमारा सही प्रकार से काम करता है या नहीं, ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी नहीं आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, इंग्लिश तो आ रहा है, हिंदी हमने दिया नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमने बनाया होगा, यहाँ पे देखिए लैंग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम ही नहीं दिया हमने, यहाँ पे तो देखिए लैंग्वेज यू नो, तो यहाँ पे तो इंग्लिश दिया है हमने इनपुट टाइप लिखते समय, लेकिन यहाँ पे हिंदी नहीं दिया है, तो हिंदी यहाँ पे हमें देना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी दे देते हैं बस, बाकी सब सही है, ओके सेव करते हैं। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दिखेगा, ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब आइए इसको देखते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रोग्राम चलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सूरज, अब जैसे मान लीजिए तिवारी में टी आई होता है, मैं यहाँ पे टी ई लिख दिया, अब ये गलत हो गया, अब हमको फॉर्म को रीसेट करना है, तो कहाँ से रीसेट करेंगे, यहाँ पे रीसेट का बटन बना हुआ है, यहाँ पे जैसे ही रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं ये सब गायब हो जाएगा, तो ये रीसेट का बटन वर्क कर रहा है। आइए देखते हैं मेल फीमेल वाला बटन वर्क कर रहा है नहीं, तो देखिए इसमें से मेल या फीमेल में से कोई एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये तमाम सिटीज की डिटेल है, जिस सिटीज को आप सेलेक्ट करेंगे, इन सिटीज जो भी सिटीज में आप रहने वाले हैं उस सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सिटीज का डिटेल है, ठीक है। इसी तरह से आप स्टेट का भी बटन बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यहां पर मैंने बोल्ड टैग को यूज किया है, तो इन सब को देखिए ये सब थोड़ा हल्के में है और ये थोड़ा डार्क में आया हुआ है रीसेट, ठीक है, चूंकि मैंने यहाँ पे रीसेट में क्या यूज किया है, देखिए यहाँ पे रीसेट में मैंने बोल्ड टैग यूज किया है, बी यूज किया है, ठीक है। अगर आप H1 यूज करेंगे तो काफी बड़े लेटर में ये आएगा, तो हमें H1 नहीं यूज करना है, ठीक है, हेडिंग टैग को नहीं यूज करना है, हमें बोल्ड टैग यूज करना है, तो यहाँ पे बोल्ड टैग का भी यूज आपने देखा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।